हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, और उनकी जो बुक है वो है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। और इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपना कालजयी ग्रंथ एवं अध्ययन के विभिन्न उपागम। इससे पहले मैं फिफ्थ सेमेस्टर की जो बुक है जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर थी उसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एंड आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा करीब में, तो ऊपर आपको एफर्ट दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो के प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियोस को देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली यूनिट जो अपनी है उसका चैप्टर में फर्स्ट है अपना, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कालजयी ग्रंथ एवं अध्ययन के विभिन्न उपागम। इसके अंदर जो सबसे पहला वाला टॉपिक है अपना वो है गौरव ग्रंथ। इसके ऊपर हम पूरी इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि गौरव ग्रंथ क्या होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है और इसको जानने में कौन कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है, जो भी है अदर थिंग्स इसके बारे में वो हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गौरव ग्रंथ क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली बात हम करें गौरव ग्रंथ, तो इसमें जो थ्योरी लिखी है सबसे पहले मैं वो रीड करता हूँ, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या लिखा है या क्या बताया गया। चीरकाल से साहित्य, इतिहास, दर्शन, संस्कृत आदि इनकी अध्ययन की परंपरा रही है। ठीक है, और इन विषयों पर लिखी गई कृतियों को युग युगांतर से महत्व बना हुआ है। मतलब देखो, जो चीरकाल है उसमें मतलब कि एक समय है उसमें ना साहित्य, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, ये जो अभी मैंने नाम लिए इसकी जो मतलब कि पढ़ने की परंपरा है, इनको जानने की परंपरा शुरू से चली आ रही है, और इन विषयों पर ना कई बुक्स भी लिखी गई है जो युगांतर मतलब कि कई समय से, मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले कई समय से वो इम्पोर्टेंस बनी हुई है। ठीक है, इन बुक्स को ना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है पहले के समय में और आज भी दी जाती है। ऐसी बुक्स को मतलब कृतियों को अंग्रेजी में क्लासिक और हिंदी में चीरकालिक ग्रंथ, क्योंकि उस समय लिखा गया था चीरकाल के समय, इसलिए हम इसे चीरकालिक ग्रंथ कहते हैं, और गौरव ग्रंथ, और कभी कभार हम इसे क्या बोलते हैं अमर कृति की संज्ञा भी दे देते हैं। तो इतने सारे नाम हैं जो हमारी पुस्तक लिखी गई है चीरकाल में। ठीक है, पहला नाम इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे क्लासिक ग्रंथ, और दूसरा अगर हम बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं इसे चीरकालिक ग्रंथ, क्योंकि ये उस समय लिखी गई थी चीरकाल के समय, इसलिए हम इसे चीरकालिक ग्रंथ कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है हिंदी में गौरव ग्रंथ, और कभी कभी हम इसे अमर कृति भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कुछ कृतियाँ इंपॉर्टेंट है जो उस काल में लिखी गई थी, जैसे प्लेटो की द रिपब्लिक, अरस्तू की द लॉ का टू ट्रीट्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड रूसो की लिखी गई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मार्क्स जो था उसकी लिखी गई थी दास कैपिटल। ये कुछ बुक्स हैं जो राइटर के थ्रू लिखी गई थी, और उन राइटर के नाम के साथ साथ उस बुक का नाम भी दिया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से क्लासिक या फिर गौरव ग्रंथ। इसके बाद बोला गया है गौरव ग्रंथ जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं हम। गौरव ग्रंथ वह ग्रंथ है, मतलब वह पुस्तक है एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिनका प्रयोग देश काल की सीमाओं से परे है, मतलब इनका प्रयोग करते हैं लेकिन देश के अंदर जो समय चल रहा है उनके अंदर जो लिमिट्स है उससे बिल्कुल परे है, मतलब ये समझ से परे है एक तरीके से, जो पूरे मानवता के लिए स्थायी महत्व की वस्तु है। अब बात करते हैं हम गौरव ग्रंथ की उपयोगिता। सबसे पहले गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायक होते हैं। देखो, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि गौरव ग्रंथ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसका प्रयोग देश काल की सीमाओं से परे है, मतलब कि आज जो समय चल रहा है उस समय इसका प्रयोग मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, ठीक है, एक तरीके से ये मान सकते हैं। बाकी गौरव ग्रंथ की उपयोगिता अगर हम जाने इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है तो वो देखो, सबसे पहले गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अगर राजनीतिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई तर्क देना है तो उसको बनाने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गौरव ग्रंथ। जैसे कई बार राजनीतिक समस्या हो, अगर पॉलिटिक्स के अंदर कोई सी भी क्या आ जाती है प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें मानव प्रकृति और नागरिक दायित्व न्याय के सिद्धांत के बारे में कोई निर्णय करना पड़ता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें ना खोजना पड़ता है कि इसका निर्णय क्या होना चाहिए, मतलब जो डिसीज़न है उसके बारे में सोचना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और साथ ही साथ वो काम भी क्या होता है बहुत ज़्यादा कठिन। ठीक है, अब यदि हम हर प्रश्न पर नए सिरे से विचार करेंगे तो ना सिर्फ कठिन होगा बल्कि उसमें अनावश्यक समय भी व्यर्थ होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई सी भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने पॉलिटिक्स के अंदर या किसी भी तर्क को लेकर आ जाती है
ठीक है, डिबेट करते समय या अपने तर्क प्रस्तुत करते समय कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, तो उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और साथ ही साथ वो काम भी क्या होगा, बिल्कुल कठिन। लेकिन इसमें बताया गया प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतों से हमें यह अध्ययन हो जाता है कि इस प्रश्न पर दार्शनिक के विचार क्या रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया था। ठीक है, अगर प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत, अगर हम पुराने के एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अगर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी इस समय आ जाती है और अगर हम प्राचीन के पॉलिटिक्स जो प्रॉब्लम थी उसको उठाएंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, इसका सोल्यूशन पहले जो थे ज्ञानी या फिर जो भी दार्शनिक थे उन्होंने इसका सोल्यूशन कैसे किया था इस प्रॉब्लम का, तो अगर हम पिछले प्राचीन समय से अगर कंपेयर करेंगे तो हम उसका जो सोल्यूशन है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल नए सिरे से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हर बार प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें ये नहीं है कि हमें जो भी सोल्यूशन है वो भी नया ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हम जो पुराने वाले जो सोल्यूशन है उसको भी उठा सकते हैं, उसके थ्रू भी हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्या का समाधान करने की गुंजाइश अधिक हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो समस्या का समाधान करने की जो गुंजाइश होती है वो बढ़ जाती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम पुरानी राजनीतिक तर्क के तहत किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, पुराने राजनीतिक तर्क जो रहे थे उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि इसमें बोला गया, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया गया, इससे आपको समझ भी आ जाएगा। किसी नए वाहन और नई मशीन को बनाते समय हमें हर बार पहिए का आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कभी भी कोई नया वाहन बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी कार वगैरह लॉन्च करते हैं, तो हर बार पहिए का आविष्कार तो पहले ही हो चुका है, तो हम हर बार थोड़ी ना नया आविष्कार करेंगे कि पहिए का आविष्कार दोबारा किया जाएगा, फिर दोबारा किया जाएगा। जितनी बार जरूरत पड़ेगी हम हर बार पहिए का आविष्कार नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार राजनीतिक तर्क को प्रस्तुत करने के लिए, मतलब जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आपके पास पॉइंट है तो उसको पेश करने के लिए हमें हर बार नई कल्पना और नए शब्दों की जो आविष्कार है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम पुराने शब्दों का यूज़ और पुरानी सोच का यूज़ भी कर सकते हैं कभी कभार। सो गाइस, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी शब्द, कोई भी शब्द अगर आपको टफ लग रहा है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है गौरव ग्रंथ के अंदर ही है वो टॉपिक, गौरव ग्रंथ की व्याख्या की समस्या। मतलब जब भी गौरव ग्रंथ को रीड किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में समझा जाता है या जानने की कोशिश की जाती है, तो उसकी जब व्याख्या की जाती है, मतलब उसको सरल भाषाओं में पेश करना, तो उसकी कई सारी समस्या आती है। जैसे कि अगर कोई वर्ड है तो उसको हमें क्या करना है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में जानना है कि इसका अर्थ क्या होता है। एक तरीके से कठिन शब्द को सरल शब्द में बदलना, ये अपनी क्या हो गई, व्याख्या। ठीक है, और उसकी समस्या भी आती है जब गौरव ग्रंथ की हम व्याख्या करते हैं, तो देखते हैं वो समस्या कैसे पेश होती है हमारे सामने। राजनीतिक सिद्धांत की कृतियों, मतलब बुक्स, उसको पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उनको समझने के कई तरीके हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, जब भी हम पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ते हैं तो उसको पॉलिटिकल थॉट्स कह रहा हूँ, पॉलिटिकल प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं सिद्धांत, अगर हम उसको पढ़ते हैं बुक के अंदर, तो उसके साथ साथ हमें उसकी व्याख्या की भी जरूरत पड़ती है और साथ साथ उसको समझना भी पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ को हम पहले पढ़ते हैं फिर उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें देखो ऐसी ना, गौरव ग्रंथ जो है या फिर राजनीतिक सिद्धांत, उसको पढ़ने, उसकी जो बुक है उसको पढ़ने, उसकी व्याख्या करने और उनको समझने के कई तरीके होते हैं, क्योंकि उनमें जो समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, जो भी राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर जो बुक्स है, जो भी बुक्स आती है वो वाली, उसमें समय समय पर क्या होते रहते हैं, चेंजेस। अब समय समय पर चेंजेस हो रहे हैं तो उनके शब्द भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, जिससे बार बार व्याख्या करने में भी क्या होगी, समस्या आएगी। अब बात करते हैं, जब हम गौरव ग्रंथ के अंदर प्रयुक्त, मतलब यूज़ की गई शब्दावली को आधुनिक कल्पना के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि तो हमारी व्याख्या और भी भ्रमयुक्त हो जाती है। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम भ्रम में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है, अगर हम आज की लैंग्वेज के बेस पर गौरव ग्रंथ के अंदर जो यूज़ की गई शब्द को पढ़ेंगे तो हमें मतलब कि समझ तो आ जाएगा, लेकिन समझने में कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी और साथ साथ अगर वो व्याख्या हमें समझ नहीं आती तो हम और भी क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है,
एक तरीके से हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, क्योंकि एक अक्षर के मतलब एक शब्द के कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो उसके लिए हमें जानना कैसे है, तो हम उसको यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर कोई शब्द है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो उसको जानेंगे कैसे। तो देखो, गौरव ग्रंथ के अध्ययन मार्ग से, मार्ग में शब्दों की अर्थ संरचना है, ठीक है, या अर्थी संरचना गलत हो गया, अर्थी संरचना आएगा। गौरव ग्रंथ के अध्ययन मार्ग में शब्दों की अर्थ संरचना को समझना भी बहुत कठिन है। कभी कभी अनेक लेखक अलग अलग अर्थ को संकेत अलग अलग अर्थ का संकेत देने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब बताया गया कि गौरव ग्रंथ के अंदर ना अर्थ संरचना को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। मतलब उसके अंदर जो भी शब्द दे रखे हैं गौरव ग्रंथ के अंदर, या राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो शब्द है ना उसके अर्थ को निकालना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। अब उसमें से कौन सा अर्थ उसके अंदर यूज़ किया गया उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, लेकिन वो टफ भी होता है। ठीक है, कभी कभी अलग अलग लेखक क्या करते हैं, अलग अलग अर्थ का संकेत देने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, राज्य का मतलब एक तो स्टेट होता है, मतलब राज्य भी होता है, और एक राज्य का मतलब सरकार भी होता है, और एक राज्य का मतलब अपना राष्ट्र राज्य भी होता है। ठीक है, राष्ट्र राज्य जो प्लेटो और अरस्तु है वो कभी भी अगर राज्य के बारे में बताते हैं तो उनका मतलब है उन्होंने राष्ट्रीय राज्य के बारे में बताया है। ठीक है, तो मतलब राज्य के ना है तो एक ही शब्द, लेकिन अर्थ क्या है उसके अलग अलग। कभी सरकार के तौर पे यूज़ करते हैं, कभी राज्य को हम स्टेट लेवल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कभी हम राज्य को राष्ट्रीय राज्य के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो अब इनमें से कौन सा शब्द गौरव ग्रंथ के अंदर यूज़ किया गया या किसी ग्रंथ के अंदर यूज़ किया गया उसका अर्थ निकालने की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में लेखक के मूल अभिप्राय मतलब लेखक कहना क्या चाहता है उसको समझना बहुत कठिन है। इसके लिए हमें उस युग मतलब उस समय की परिस्थितियों, जो समय की सिचुएशन थी या कंडीशन थी और संस्कृति, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही हमें उस लेखक के मूल अभिप्राय के समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब वो लेखक कहना क्या चाहता है हम उसके बारे में तभी समझ पाएंगे जब उस समय की परिस्थितियों का हमें ज्ञान होगा और संस्कृत का ज्ञान होगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड अभी जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो फिनिश नहीं हुआ, बस गौरव ग्रंथ से रिलेटेड हमने जो इंट्रोडक्शन करा है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।